नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर आयरन का एलिमेंट चेंज करना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 60 वाट का शोल्डर आयरन है जो कि सारन कंपनी का है। इसमें दिक्कत क्या बनी है कि देखिए, इसमें क्या दिक्कत बनी है कि यहाँ से जब हम इसको देखिए, ये पेच है हमारा जो इसकी बिट होती है इस तरह की। देखिए इसमें इस तरह होती, ये हमारी देखिए, इसमें देखिए पूरी तरह जाम हो चुकी। देखिए हम जितना चाहे देखिए देखिए नहीं निकल रही, जबकि ये हमारी बिट यहाँ से इसको निकलना चाहिए था। देखिए तो, और मैं आपको जी हमारे पास सारन की नई 60 वाट की बिट, देखिए इस पर लिखा है 60 वाट जो सारन कंपनी की है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्त, देखिए इसमें होल है, देखिए जो इसमें बिट लगने के लिए, वो उसमें क्या है कि वो जो हमारी बिट है वो जल जल के इस तरह से हो गई। देखिए इसमें इस तरह से लग जाएगी, मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसके 3 स्क्रू लगे हैं। देखिए ये हमें खोलना है, 1, 2 और 3। देखिए देखिए दोस्तों, हमारी लाइन इसकी डिस्कनेक्ट है और आपने लाइन को डिस्कनेक्ट करके ही इसको चेंज करना है। देखिए हमें 3 स्क्रू इसके खोलेंगे और यहाँ से ये बाहर आएगा। दोस्तों, जो 33 वाट का शोल्डर आयरन होता है वो हमारा अलग होता है, और जो ये हमारा जो 60 वाट का है ये हमारा अलग है। ये दो दोस्त, यहाँ से हमें वायर को थोड़ा सा आगे करेंगे और देखिए यहाँ पे दो इसके 2 पॉइंट हैं हमारे मेन एसी के। देखिए दोस्तों, ये हमारा ख़राब है और ये हमारा न्यू। तो अब हमें क्या है कि हमें यहाँ पे 2 टर्मिनल है इसके। देखिए देखिए, एक इस साइड और एक साइड हमारी मेन सप्लाई लगेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डरिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमें हमारी जो वायर ख़राब है उसको हम सेटिंग कर देंगे ताकि हमारा इसमें जॉइंट ना हो, और हम इसको थोड़ी सी वायर को काट देंगे दोस्तों, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। हम शोल्डरिंग करेंगे इस पर, जिससे कि हमारा जो जो हमारा शोल्डर जो अच्छी तरह लग जाए। तो इसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, आप चाहे जिस तरफ मर्जी लगाएं। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितनी दूर दूर हमारा प्रिंट है। आपने भी इसी तरह इसको दूर दूरी पे ही रखना है। और अब हमने देखिए जिस तरह से इसको खोला है उसी तरह से हमने इसको फिटिंग करना। देखिए देख दोस्तों, हमारा परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है। तीनों पेचों को हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते भी हमें बिट चेंज ना, ये एलिमेंट चेंज ना करें, तब
पूरा आप शोल्डर आयरन ही ले सकते हैं, ये आपको मार्केट में 180-190 रुपये मिल जाएगा। और जो इसके बेड का प्राइस है और जो हमारे एलिमेंट का प्राइस है, ये आपको 50 रुपये की और ये 70 रुपये का। तो हमारे पास तो दोस्तों ये वायर भी हमारी सही थी और ये हमारा हैंडल भी इसका सही था, इसलिए हमने तो इसमें देखी ये हमने इसमें बेट लगाई और इसीलिए हमने इसमें ये हमारे हमने चेंज कर दिया, बाकी तो हमारा सही ही है। और मैं आपको देखिए इस पर टेस्टिंग करवाता हूँ, देखिए ये हमारा चलता है या नहीं। तो देखते हैं हम हमारा शोल्डर आयरन गर्म हुआ है या नहीं। ये देखो दोस्तों अब वो दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों ये हमारा शोल्डर आयरन हमारा गर्म हो चुका है और अभी क्योंकि अभी पूरी तरह से दोस्तों गर्म नहीं हुआ, ये देखिए दोस्तों ये हमारा परफेक्ट इसमें काम करने लगा है, देखिए। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कोई ख़राब शोल्डर आयरन है तो आप उसको इस तरह से घर पर ही रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।